और जहां एक तरफ धर्म को लेकर विवादित बयान सामने आ रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव का भी सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को सपेरे की तरह बताया है। बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव का यह बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी के पिटारे में तरह तरह के सांप हैं। श्याम सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार कड़वाहट पैदा कर रही है, आगे आने वाले दिनों में इस कड़वाहट को और बढ़ाना चाहते हैं। यह सरकार वोट लेने की खातिर कुछ भी कर सकती है। माननीय मोदी जी, एक मदारी की तरह एक झोले में तरह तरह के सांप रखता है। सुनिए, हम जो सोचते हैं, एक मदारी जो वो मदारी दूसरा होता सपेरा, एक झोले में तरह तरह के सांप रखता है। एक एक, एक कोबरा होता है, एक कोई होता है, वो रह रह के निकालता है। तो इतने सांपों में से वन नेशन वन इलेक्शन और जो भी है, क्या माननीय मोदी जी निकालेंगे? उस समय निकलने पर ही मालूम होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, जिस तरीके का बयान सामने आया है, निश्चित रूप से ये विवादित बयान है, आपत्तिजनक बयान है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है और क्या पार्टी की कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जहां एक तरफ सीधे तौर पे फ्रंट पे आके प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या फिर भाजपा के खिलाफ स्पष्ट तौर पे बात नहीं करती है, अपनी बयानबाजी कोई नहीं देती है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव ने ये एक विवादित बयान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि वो एक सपेरे हैं और अपने पिटारे में तरह तरह के वो सांप रखते हैं और जब सही समय आता है तो वो सांप को बाहर निकालते हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वो ज्ञापन ले रहे थे तब उन्होंने ये बयान दिया। और अन्य बातें भी उन्होंने कही कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें क्या होगा किसी को नहीं पता, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, उसका क्या दायित्व है वो किसी को नहीं पता। तो तमाम सारे आरोप श्याम सिंह यादव ने लगाए हैं, तंज कसा है और हंसी मजाक प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो कर रहे थे। हालांकि भाजपा की तरफ से अभी कोई इसको लेकर रिएक्शन सामने नहीं आया, बहुजन समाज पार्टी के भी तमाम नेताओं ने इस बयान पर चुप्पी साधी हुई है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल जरूर खड़ा होता है कि जहां एक तरफ मायावती कुछ भी बोलने से बचती हैं, वो किसी तरीके का बयान चाहे वो ट्वीट के जरिए हो या फिर अपनी बाइट के जरिए हो, वो नहीं देती प्रधानमंत्री पे सीधे तौर पे, लेकिन श्याम सिंह यादव ने इस तरीके का बयान दिया है तो क्या ये पार्टी का बयान माना जाए या फिर उनका पर्सनल बयान माना जाए? तो सवाल यहां पर जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर श्याम सिंह यादव कहना क्या चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने पहले स्पष्ट किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेगी, तो क्या ये बिल्कुल मयूर आप बने रहे हमारे साथ।